इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इट मीन संकेतवाचक सर्वनाम का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दैट इसका हिंदी मतलब वह होता है। दैट का प्रयोग दूर की किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। इट मीन्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगुलर मतलब कोई एक व्यक्ति होना चाहिए या फिर एक वस्तु होना चाहिए, और वह कैसी होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, तभी हम उसे बताने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं, या फिर संकेत करने के लिए या इशारा करने के लिए, परंतु वह दूर होना चाहिए और वह एक होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति हो या फिर कोई एक वस्तु हो। यदि इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर देखें तो डेट प्लस इज, इसलिए क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं एक वचन मतलब सिंगुलर कोई एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु हो, इसलिए हम इस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। प्लस आर्टिकल में हम ए और एन का प्रयोग करेंगे प्लस नाउन। एक बार और देख लीजिएगा, डेट का प्रयोग हम दूर रखी हुई कोई भी व्यक्ति को इशारा करने के लिए या फिर कोई वस्तु को संकेत करने के लिए या दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर डेट प्लस इज प्लस ए एन आर्टिकल प्लस नाउन होता है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वह एक सरकारी अस्पताल है। वह के लिए हम डेट का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे और आर्टिकल में ए यूज करेंगे। सरकारी अस्पताल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, इसलिए डेट इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वह एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। टेढ़ा मेढ़ा के लिए जिग जैक और रास्ता के लिए वे और आर्टिकल ए और हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करेंगे, और डेट के लिए क्या यूज करते हैं, वह, इसलिए डेट इज अ जिग जैक वे। वह एक प्राचीन मंदिर है। हम लोगों की इशारा करते हुए कहते हैं कि वह देखो एक प्राचीन मंदिर है। इट मीन्स वह दूर है और एक ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक प्राचीन मंदिर मतलब सिंगुलर है। प्राचीन मंदिर को हम इंग्लिश में एंशियंट टेम्पल कहते हैं। जब आप एंशियंट को प्रोनाउंस करेंगे तो वोवेल साउंड निकलता है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे डेट इज एन एंशियंट टेम्पल। वह एक ब्यूनस आयर्स है जो अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स जो कि कैपिटल किसकी है, अर्जेंटीना देश की। तो वह एक इशारा करते हुए लोगों कहते हैं कि वह एक ब्यूनस आयर्स है। इट मीन्स डेट इज अ ब्यूनस आयर्स विच इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना की कैपिटल है। ये प्रैक्टिस के लिए है जो आपको तीनों फॉर्म में करनी है प्रैक्टिस, और यहाँ पे कुछ मीनिंग भी लिखा हुआ है। हम डेट का नेगेटिव वर्जन देखते हैं, इट मीन्स नकारात्मक। इसमें सिर्फ एक और चीज ऐड हो जाती है इंग्लिश स्ट्रक्चर में, नॉट। तो हम देखते हैं डेट प्लस इज प्लस नॉट प्लस आर्टिकल एन प्लस नाउन। कुछ एग्जाम्पल, वह एक नदी नहीं है। नहीं है मतलब नेगेटिव फॉर्म है। दैट इज नॉट अ रिवर, दैट इज नॉट अ रिवर। वह एक जंगली कुत्ता नहीं है। दैट इज नॉट अ वाइल्ड डॉग, दैट इज नॉट अ वाइल्ड डॉग। इंट्रागेटिव मतलब हम प्रश्नवाचक, तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग जो वर्ब होती है वह सामने आ जाती है और इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी ऐड हो जाता है। तो इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा इज प्लस डैट प्लस ए एन आर्टिकल प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह एक नदी नहीं, क्या वह एक नदी है, इज दैट अ रिवर, इज दैट अ रिवर। क्या वह एक जंगली कुत्ता है, क्या वह एक जंगली कुत्ता है, इज दैट अ वाइल्ड डॉग, इज दैट अ वाइल्ड डॉग।